अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विपक्ष के कई नेताओं को न्योता भेज भी दिया गया है, लेकिन अभी तक सपा के मुखिया अखिलेश यादव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। वही जब आज मीडिया ने अखिलेश यादव से सवाल किया, अखिलेश यादव ने कहा कि मेरा मानना है कि बिना भगवान की इच्छा के कोई दर्शन नहीं करने जा सकता, बिना उनकी इच्छा के कोई दर्शन नहीं कर पाता और भगवान का बुलावा कब किसको आ जाए कोई नहीं कह सकता। देखिए भगवान हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं और हमारे पूर्वज और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे, कब किसको बुला ले। देखिए हम अपने घर से निकलने के समय भगवान के दर्शन करके ही निकलते हैं, सीढ़ी उतरते ही भगवान के दर्शन होते हैं, दरवाजा जैसे ही गेट खुलता है हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो आप बताओ कौन से भगवान के हमें दर्शन करने हैं? आजकल तो कैमरा सबसे बड़ा भगवान है। गौरतलब है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में समाजवादी पार्टी के नेताओं को न्योता को लेकर विवाद तब शुरू हुआ था जब कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने राम मंदिर ट्रस्ट को चिट्ठी लिखी थी। भाजपा सांसद ने कहा था कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को निमंत्रण न दिया जाए। इसके बाद इस मामले को लेकर मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने भी जवाब देते हुए कहा था कि भाजपा की ऊंची मानसिकता है कि वो कह रही है कि आप सपा नेताओं को इस कार्यक्रम में न बुलाएं। ये सरकार रामराज की बात करती है लेकिन वो भेद भी करती है। इस दौरान डिंपल ने कहा कि अगर हमें निमंत्रण आएगा तो हम जरूर जाएंगे और अगर नहीं आया तो हम बाद में जाएंगे। तो वहीं अब अखिलेश यादव ने भी अपना रुख साफ कर दिया है।